हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये मशीन की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर डिस्कस कर चुके थे आपसे पहले ही। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी डीसी शंट मोटर की एंड डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की, ये ऑलमोस्ट क्या थी, हमारी सेम थी। दोनों की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, ड्रॉ कर रहे थे, उनमें ऑलमोस्ट क्या था, हमारा सेम था। बट ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। आर्मेचर करंट, सीरीज करंट, लोड करंट क्या होती है, एक ही होता है। तो अगर लोड करंट बढ़ता है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, सीरीज करंट भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें क्या होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, ये उनके जैसा सेम नहीं होता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और नॉर्मल भी। ओके, तो हम आज देखते हैं कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे डीसी सीरीज मोटर की। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ओके, हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कितने टाइप की होती हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप है, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज है, शंट है, कंपाउंड वाउंड है। तो हम आपको उसका डायग्राम बता चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो लास्ट क्लासेस, पहले प्रीवियस क्लासेस देख ले, उसके बाद इसको पढ़ेगा तो उसको ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारा कि कैसे होता है हमारा। तो सीरीज मोटर है, अगर सीरीज मोटर है तो ये क्या होगा, हमारा आर्मेचर होगा, इसी के सीरीज में क्या होगा, हमारा ये सीरीज वाइंडिंग क्या होगी, कनेक्ट होगी। ओके, ये क्या है हमारा आर्मेचर और ये हमारी क्या सीरीज वाइंडिंग। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमारा कैसे बनेगा, ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे क्या होगा आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे क्या होगा बैक ईएमएफ, और ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो कैसे ड्रॉ होगा हमारा, ये हो गया आर एस ई है, हमारा आर ए है, ये हो गया बैक ईएमएफ ई बी। ओके, मोटर, मोटर में हमने क्या बोला था कि करंट क्या होता है हमारा, इन होता है, क्योंकि मोटर क्या है हमारा, जो कि क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन, यही होता है ना, मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनपुट अपन क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट, मतलब शाफ्ट क्या होता है, घूमने लगता है, तो आउटपुट क्या मिलता है मैकेनिकल और इनपुट क्या होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो हम इसमें इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इसलिए करंट क्या है, इनवर्ड है। वही जनरेटर में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, क्योंकि वो क्या कहता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या मिल रहा है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल बाहर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट है तो इलेक्ट्रिकल क्या होगा अंदर आएगा। ठीक है, तो ये लोड करंट अगर IL है, यही क्या होगा IS ही होगा और यही क्या होगा IA होगा। ओके, ये टर्मिनल वोल्टेज है V। ओके, अगर ये हमारा क्या है टर्मिनल वोल्टेज V है, तो हमारा किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज मान लिया VT। अब अगर हम इसमें करंट की इक्वेशन, ईएमएफ वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं, तो हमने क्या बोला था आपसे, करंट इनवर्ट, करंट ऐसे इनवर्ट हो रहा है, तो करंट जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल क्या होता है पॉजिटिव, और जहां से लीव करता है वो टर्मिनल क्या होता है नेगेटिव। तो करंट ऐसे एंटर कर रहा, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये क्या होगा हमारा नेगेटिव। ओके, ये इसका क्या है डायग्राम है डीसी सीरीज मोटर का, सिंपल। अब हम देखेंगे इसमें ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे तो किस तरीके से हमारी ईएमएफ इक्वेशन होगी। सबसे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है, सीरीज सर्किट में क्या होता है करंट क्या होता है यार, सेम। ओके, यही होता है ना, अगर सर्किट सीरीज में है तो करंट क्या होगा सारी ब्रांचेस में सेम होगा, अगर पैरेलल में है तो करंट क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। तो सीरीज में है तो करंट सेम होगा, इसका मतलब आई एल इक्वल टू क्या होगा आई एस ई इक्वल टू क्या होगा आई ए। ओके, लोड करंट, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इफ लोड करंट इंक्रीज, अगर लोड करंट बढ़ता है तो सीरीज करंट भी बढ़ता है और आर्मेचर करंट भी क्या होता है इंक्रीज होता है। ओके, इसी के कारण जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर से क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनके जैसी नहीं होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सेकंड क्या है हमारा, हमें देखना है कि इसमें ईएम अपन केवीएल लगाते हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो, जो वोल्टेज ड्रॉप है सारे वोल्टेजेस का वो इक्वल टू क्या होगा हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे, तो हमने आपको केवीएल इक्वेशन लिखना बताया कि जब भी हम चलते हैं तो हम या तो फर्स्ट टर्मिनल लेके चलेंगे या फिर सेकंड टर्मिनल लेके चलेंगे। ओके, तो हम हमेशा सेकंड टर्मिनल लेके चलते हैं, तो अगर हम
अपना सेकंड टर्मिनल लेंगे, हम ऐसे चलना है, ओके ऐसे चलना है, तो हम ऐसे चले तो हमारा फर्स्ट टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, सेकंड क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस ऑफ वी टी, यहाँ से ऐसे आएंगे, इसका सेकंड टर्मिनल क्या है माइनस, माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या होगा वी, वोल्टेज क्या होता है आर इंटू आर, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा आई एस ई आर एस ई, ओके यहाँ का वोल्टेज क्या होगा माइनस आई ए आर ए, और ये क्या होगा माइनस ई बी, बैक ई एम एफ इक्वल टू जीरो, ओके यही होगी इक्वेशन की नहीं। अब आई एस ई और आई ए क्या है सेम है, तो आई एस ई की जगह क्या रख सकते हैं आई ए, तो क्या हो जाएगा वी टी माइनस आई ए आर एस ई माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, वी टी माइनस आई ए कॉमन ले लेंगे आर ए प्लस आर एस ई माइनस ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इफ अगर अपन को क्या निकालना है कि ई बी क्या होगा हमारा, बैक ई एम एफ क्या होगा, तो बैक ई एम एफ उस साइड ले जाएंगे हम, जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब भी अपन साइड चेंज करते हैं तो इनके साइन भी क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ई बी इक्वल टू क्या होगा वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, ओके ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन, कि जो बैक ई एम एफ है उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ई और आई ए के बीच में ही होती है, ठीक है। हम इसको ई बी को सिंपल क्या ई लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है ई एम एफ, जो हमारा बैक ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है वो। तो इसकी ये इक्वेशन कैसे बनी, नॉर्मली हमारी इक्वेशन क्या होती है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ना हमारी लाइन की इक्वेशन, बट इसमें इक्वेशन क्या है इसको बाई मानते हैं अगर, तो बाई इक्वल टू क्या है ये सी, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं, वही जनरेटर में हमारा जो वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है वेरिएबल होता है, क्योंकि वो क्या है आउटपुट है, तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है ये हमें पता नहीं है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, आउटपुट क्या करता रहता है वेरी करता है, तो ये वी टी क्या होता है वेरी करता है, बट यहाँ पे वी टी क्या है हमारा इनपुट है, इसलिए वी टी क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने अगर बाई माना कि हम इसको बाई पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये क्या है एक्स है, तो इक्वेशन कैसी बन रही है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ओके मतलब अपोजिट है हमारी इसकी इक्वेशन, इसका जो हमारा m, m क्या है हमारे यहाँ पे स्लोप है, तो जो स्लोप है वो क्या है हमारा निगेटिव है, ठीक है। स्लोप जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है निगेटिव स्लोप मिल रहा है। तो हम अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमें ड्रॉ करनी है वो कौन सी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है ई वर्सेस आई ए के बीच में, ठीक है, बैक ई एम एफ इंड्यूस्ड और आर्मेचर करंट के बीच में। तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या है हमारी आई ए, आर्मेचर करंट लिया और ये ई लिया, ठीक है, इसको लिया बाई पे और ये आई ए लिया एक्स पे, तो इक्वेशन क्या बनी बाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा निगेटिव होगा हमारा, अगर पॉजिटिव होता तो कुछ ऐसे बनती, निगेटिव है तो ये कैसे बनेगी इस तरीके से बनेगी। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या है ये, ठीक है, अगर सपोज हम बोलते हैं क्या कि अगर हमारा आई ए क्या है जीरो है, अगर आई ए जीरो रखेंगे तो ई इक्वल टू किसके बराबर होगा वी टी के, ये वाली चीज तो पूरी जीरो हो जाएगी, तो ई किसके यहाँ पे आई ए क्या है जीरो तो ई किसके बराबर होगा वी टी, मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे वी टी, ओके अगर ई जीरो है ये वाली चीज जीरो है तो ये किसके बराबर होगा वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ए आर ए प्लस आर एस ई, ओके तो आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी वी टी बाई आर ए प्लस आर एस ई, ओके तो यहाँ पे क्या होगा सपोज यहाँ पे ई क्या हो रहा है जीरो तो ये क्या हो जाएगी वी टी बाई आर ए प्लस आर एस ई, इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी वो क्या हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ओके इसका स्लोप जो है वो क्या होगा y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो ये हो गया x, c क्या है आर ए प्लस आर एस ई, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर एस ई, ओके तो e वर्सेस आई ए के बीच में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसके जो एक टर्मिनल्स है ये हमें याद रखने पड़ते हैं, ये कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देंगे, ओके बोलेंगे कि ये या तो सिंपल दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके ऐसे दे दिया, या फिर हमारा कुछ इस तरीके से बना देंगे या स्ट्रेट लाइन बना देंगे और पूछेंगे कि
डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। ओके, या आपको ये ड्रॉ करके आपसे ये जो टर्मिनल से ये पूछ सकते हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी या फिर स्लोप हमारा क्या होगा। तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि कैसे इक्वेशन हमने ड्रॉ की है और कैसे ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप चीजों को मगअप कर लें, याद कर लें, रट लें, तो इतना जल्द आप इजिली इन सारी चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम संट में भी देख चुके हैं सेपरेटली में, उनमें 5-5 कैरेक्टरिस्टिक थी, इसमें 5 है, तो आप 15 कैरेक्टरिस्टिक कहाँ तक याद करेंगे। तो आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है कि किस तरीके से ड्रॉ हो रही। कोई भी चीज हमने अपने मन से नहीं लिखी या हवा में नहीं लिखी है, ये इक्वेशन यहाँ पे है, इसी के थ्रू इसको क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया ई वर्सेस आई ए के बीच में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकेंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फाई और आई ए के बीच में, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करना है फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, डीसी सीरीज मोटर है, हमने आपको बताया है कि जो सीरीज वाइंडिंग है वो किसके सीरीज में कनेक्ट है, आर्मेचर के उसमें, ठीक है। तो जो ये सीरीज वाइंडिंग है इससे क्या होता है, फ्लक्स बनता है, ठीक है। तो अगर आई ए बढ़ेगा तो आई ए सी भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, दोनों बराबर है। इफ आई ए इंक्रीज देन आई ए सी ऑल्सो इंक्रीज, आई ए सी इंक्रीज होगा तो फाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आई ए सी और फाई क्या है, बड़ा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आई ए सी से ही क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, जो ये क्या है, फील्ड फ्लक्स है, तो फील्ड फ्लक्स क्या होगा, फील्ड बाइंडिंग से बनेगा, फील्ड करंट से बनेगा। तो अगर इफ ये इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फाई वर्सेस आई ए, बट कब तक इंक्रीज होगा, एक पॉइंट तक, वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, सेचुरेशन पॉइंट। जब तक सेचुरेट ना हो जाए मशीन तब तक हमारा बढ़ेगा तो वो इंक्रीज होगा, बट जैसे ही क्या होता है, हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ाइए फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारी फ्लक्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम बकेट में क्या करते हैं, पानी भरते हैं, हम टैप खोल देते हैं तो पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जो पानी है और बकेट में भरने की जो मात्रा है उसके। बट कब तक भरेगा, जितना हमारा बकेट का साइज है तब तक। जैसे ही हमारा फुल हो जाएगा उसके बाद कितना भी पानी उसमें गिरे, वो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो पानी क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट तक, कोई भी कोर होता है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, कोर क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो कोर में हमारा क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अपन आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं, कब तक बढ़ेगा, जब तक वो सैचुरेट ना हो। एक बार कोर सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद आप कितना भी करंट इंक्रीज कर लीजिए, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए, ये है आर्मेचर करंट इफ आई ए, और ये बाय एक्सिस पे हमने लिया है फाई। ओके, तो ये क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, उसके बाद ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट मान लेते हैं। तो ये बिफोर सैचुरेशन पॉइंट ये कैसा रहेगा, लीनियर रीजन रहेगा। ओके, मतलब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई है तो हमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब कितना भी करंट बढ़े बट फ्लक्स क्या है वो क्या रहेगा, हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। कहीं कहीं इसकी जो है ये इस तरीके से भी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, ये हम क्या लेते हैं, कुछ फ्लक्स ले लेते हैं, ये क्या है, फाई रेसिडुअल। हमने आपको बताया है जब टाइप्स ऑफ डीसी मोटर पढ़ाई है या जनरेटर पढ़ाया है, तो हमने उसमें बताया कि सेल्फ एक्साइटेड जो मशीन होती है उसमें हमारा कैसे अपने आप जो होता है फ्लक्स होता है वो इंड्यूस हो जाता है, इसके कारण, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण या फिर रेसिडुअल वोल्टेज के कारण। रेसिडुअल फ्लक्स क्या है, एक फ्लक्स हमारा रहता है मशीन में पहले से, जब अपन मशीन को किसी दूसरी मशीन में यूज करते हैं, फिर से अपन उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, रह जाता है, जिसके कारण ही क्या होता है, आगे का फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर अपन इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो रेसिडुअल फ्लक्स ले सकते हैं, अदरवाइज इसको इस तरीके से भी ड्रॉ होती है। ओके, तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फाई वर्सेस आई ए के बीच में। ओके, थर्ड हमें ड्रॉ करना है किसके बीच में, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में हम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमने आपको बताया है
टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई इंटू आई ए। ये सब हम मन से नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूले, हम टॉर्क का इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें कि टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, हमने सारा का फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद हमने ये कंक्लूजन पे आए थे कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के। ओके, तो इसमें दो केस बनते हैं। सबसे पहला केस आता है बिफोर सैचुरेशन। अभी हमने आपको बताया कि सैचुरेशन होता है, कोई भी कोर होती है उसमें क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो सैचुरेशन पॉइंट के पहले फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के, ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए। तो इस केस में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई ए के स्क्वायर, फाई की जगह आई ए रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, आफ्टर सैचुरेशन। सैचुरेशन होने के बाद क्या फ्लक्स बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, फाई क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट, फाई कॉन्स्टेंट है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई ए के, ठीक है। ये हमारे दो केस आ जाते हैं, ठीक है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम अगर देखेंगे बिफोर सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट के पहले फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई ए के, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए स्क्वायर के। ओके, आफ्टर सैचुरेशन हम देखेंगे फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हमारा आई ए के। ओके, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे अगर, तो किस तरीके से ड्रॉ होगी, ये है हमारा टॉर्क और ये हमारा क्या, आई ए, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है टी वर्सेस आई ए के बीच में। ओके, तो सबसे बिफोर सैचुरेशन क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई ए का स्क्वायर के, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे आएगी। आफ्टर सैचुरेशन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए, तो क्या हो जाएगी, लीनियर लाइन आएगी। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगा, ये ऐसे, ये मान लिया ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हो गई बिफोर सैचुरेशन, यहां पे क्या है, टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर के, और ये हो गई आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन यहाँ पे टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, आई ए के। ओके, तो ये है हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉप वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू एन पी फाई जेड वाई सिक्सटी ए, ये हम पढ़े हैं जब ईएमएफ इक्वेशन, E इक्वल टू क्या होता है, एन पी फाई जेड वाई सिक्सटी, क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट होते हैं किसी भी मशीन में, एक बार मशीन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद पैरेलल पाथ कांस्टेंट होते हैं। A इक्वल टू P होते हैं अगर लैप बाइंड है, और A इक्वल टू 2 कांस्टेंट होगा अगर बाइंडिंग कैसी है, बे बाइंड है, तो ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर Z, ये भी कांस्टेंट होते हैं, 60 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। N जो है ये क्या है, स्पीड है हमारी RPM में, इसकी जगह पर ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है वो क्या कर रही है, एंगुलर रोटेशन कर रही है, गोल घूमती है, इसलिए अपन एन की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ओमेगा आर के रिस्पेक्ट में आपको दूसरी जगह ड्रॉ होगी, तो वो इसी से आया है हमारा। तो ई इक्वल टू के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओमेगा आर इंटू फाई के। ओके, ई किसके प्रोपोर्शनल है हमारा, ओमेगा आर इंटू फाई। ओके, E किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा इंटू फाई, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के फाई इंटू ओमेगा आर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिया हमने, के, तो E इक्वल टू क्या हो गया, के फाई इंटू ओमेगा आर। ओके, अब नेक्स्ट ये जो E है वो किसके बराबर है, और वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E की जगह वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी इक्वल टू क्या हो गया, के फाई इंटू ओमेगा आर। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी टी वाई के फाई माइनस आई ए वाई के फाई इंटू आर ए प्लस आर ए सी,
ओके ये हमारी इक्वेशन हो गई ओमेगा आर इक्वल टू बी टी बाई के फाइव माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ए। अब ये हमारी नॉर्मल सी इक्वेशन हो गई स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच के रिलेशन के बीच में। अब हमारे दो केस आएंगे इसमें, सब में दो केस आएंगे, बिफोर सैचुरेशन है आफ्टर सैचुरेशन। तो सबसे पहला है हमारा अनसैचुरेटेड रीजन में, बिफोर सैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड रीजन, जहां पे क्या है अभी कोर जो है वो सैचुरेट नहीं हुआ है। कोर सैचुरेट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई ए के। ओके फाई किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई ए के। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के वन इंटू आई ए। फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के वन इंटू आई ए। अपन ने प्रोपोर्शनल की साइन हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आ गया के वन, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, के वन इंटू आई ए। ये अपन वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी टी वाई के फाई, फाई की जगह क्या रख देंगे, के वन इंटू आई ए माइनस आई ए अपॉन के, फाई की जगह क्या रखेंगे, के वन आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ए। ओके ये कट गया हमारा, ठीक है। ये क्या है हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन किस तरीके से बन गई, ये ओमेगा आर को माना बाई इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा आर ए प्लस आर एस अपॉन के इंटू के वन। ओके तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, आर ए प्लस आर एस कांस्टेंट होगा बाइंडिंग का, ये कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट सी, और ये क्या हमारा वी टी कांस्टेंट है, के वन कांस्टेंट है, ये क्या है आई ए हमारा वैल्यू है जिसको अपन उस पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, पी बाई ये हो जाएगा एक्स। तो ये इक्वेशन कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये क्या है अनसेचुरेटेड रीजन में, बिफोर सेचुरेशन की हम बात कर रहे हैं तब। तो हमारा बिफोर सेचुरेशन हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, आफ्टर सेचुरेशन जो है वो हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी हमारी। ओके अगर हम आफ्टर सेचुरेशन बात करें तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आफ्टर सेचुरेशन फाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, ये रहेगी। यहाँ पे कोई वैल्यू रखने की जरूरत तो है नहीं हमारा, ये फाई जो है वो क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट है हमारी। यहाँ पे देखते हैं हम, ये हो गया बिफोर सेचुरेशन। ओके यहाँ तक, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड केस क्या आ जाएगा हमारा सैचुरेटेड रीजन में। अगर सैचुरेटेड रीजन में बात करते हैं तो फाई क्या है अब हमारा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वेशन क्या रहेगी, ओमेगा आर इक्वल टू वी टी वाई के फाई माइनस आई ए वाई के फाई इंटू आर ए प्लस आर एस ई। ओके तो ये वाई अगर है, ये वी टी कांस्टेंट है, हमने बोला आपसे टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, के कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया माइनस आर ए प्लस आर एस ई बाई के फाई, ये एम हो गया स्लोप और ये क्या है आई ए एक्स है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू सी माइनस एम है, मतलब स्लोप क्या है नेगेटिव है। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ओमेगा आर वर्सेस आई ए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक, कैसे ड्रॉ होगी, आई ए माना एक्स एक्सिस पे, ओमेगा आर माना वाई एक्सिस पे। ओके तो अनसेचुरेटेड रीजन, पहले कौन सा रीजन आता है अनसेचुरेटेड रीजन, मतलब फ्लक्स करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा इंक्रीज होगा, बट सेचुरेशन पॉइंट तक, जैसे ही सेचुरेशन पॉइंट आएगा उसके बाद अगर करंट इंक्रीज भी होता है तो फ्लक्स इंक्रीज हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला केस आएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये क्या है वाई है, ठीक है, ये क्या है हमारा पी वाई एक्स है और ये क्या है कांस्टेंट है सपोज सी, इस तरीके से इक्वेशन है हमारी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आई ए क्या है जीरो, अगर आई ए जीरो लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाली चीज जीरो है, ये जीरो लेके चलते हैं, तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो गया हमारा, तो ये क्या होगा कहीं इनफाइनाइट से आ रहा होगा हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये आई ए जीरो लिया, ये तो हमारी कांस्टेंट ही वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या हमारा आई ए जीरो, वन अपॉन जीरो क्या इन्फाइनाइट, मतलब ये कहीं इन्फाइनाइट से हमारा आ रहा होगा हमारी कैरेक्टरिस्टिक, तो कुछ कैसे आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा सैचुरेशन पॉइंट।
ओके ये इनफाइनाइट पॉइंट से आएगी, जैसे जैसे हमारा क्या होगा करंट इंक्रीज होगा, आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख रख के देखें, ये जीरो है तो इनफाइनाइट, इसको वन रखा आपने तो वन बाय वन क्या होगा वन होगा, फिर आप क्या रखोगे टू रखोगे, ठीक है। सपोज ये कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये वन मान के चलते हैं, आपने टू रखा तो वन बाय टू क्या होगा पॉइंट फाइव, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, एक पॉइंट पे जाके क्या होगा हमारा कम होगा, तो पहले ज्यादा था उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो इनफाइनाइट से आ रही है इसलिए हमने यहाँ कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं ली है, इनफाइनाइट से धीरे 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 क्या होगा जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा ये क्या होगा डिक्रीज होगा, कब तक सैचुरेशन पॉइंट तक, तो ये हो गया हमारा बिफोर सैचुरेशन, ठीक है, या हम लिखते हैं अनसैचुरेटेड रीजन की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड रीजन में हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेटेड रीजन में क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू c माइनस mx है, अगर ia क्या है जीरो, ठीक है, ये जीरो है तो ये पूरी वाली चीज जीरो रहेगी हमारी, ठीक है, तो ओमेगा r किसके बराबर होगा vt by k phi के, ठीक है, ओमेगा r किसके बराबर होगा vt by k phi, तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे अगर सैचुरेशन रीजन में आई ए जीरो है तो ये किसके बराबर होना चाहिए वी टी वाई के फाइव, ओके ये हमारा ऐसे आएगा वी टी वाई के फाइव, ये यहां से यहां तक हो गया अनसेचुरेटेड रीजन। उसके बाद हम क्या बोलना है अगर ओमेगा ओमेगा हमारा जीरो होगा, ये वाली चीज अगर जीरो होगी, देखिए यहां पे हम लिखते हैं ये इक्वेशन है क्या हमारी ओमेगा आर इक्वल टू वी टी वाई के फाइव माइनस आई ए वाई के फाइव इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ओके। तो सबसे पहला केस अगर आर्मेचर करंट हमारा क्या है जीरो अगर है तो इस केस में हमारा क्या होगा ये अगर जीरो है, ठीक है, तो ओमेगा आर किसके बराबर होगा वी टी वाई के फाइव के, ओके। फिर अगर हम बोलते हैं कि ओमेगा आर क्या है जीरो है तो वी टी वाई के फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ए वाई के फाइव इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ये के फाइव से के फाइव कट गया, ठीक है, तो आई ए बराबर किसके हो जाएगा वी टी वाई आर ए प्लस आर एस सी, ओके। तो अगर ओमेगा आर जीरो है तो आई ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारी वी टी वाई आर ए प्लस आर एस सी, ये कैसी इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसका ये जो स्लोप है ये क्या है नेगेटिव है, इस स्लोप की वैल्यू कितनी है ये आर ए प्लस आर एस सी वाई के फाइव, आर ए प्लस आर एस सी वाई के फाइव, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया अनसेचुरेटेड रीजन का, और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा सेचुरेटेड रीजन, ठीक है। तो ओमेगा आर और आई ए के बीच में जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होगी वो करेक्टरिस्टिक्स हमारी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ओके। तो हम इसमें क्या देखना है, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की है, इसमें हमने क्या देखा कि अगर आर्मेचर करंट जीरो है तो उस टाइम पे स्पीड क्या है इनफाइनाइट है, ओके। इफ आई ए इक्वल टू जीरो तो ओमेगा आर स्पीड जो है वो क्या हमारी इनफाइनाइट है, अगर स्पीड हमारी क्या है इनफाइनाइट है हमारी, तो स्पीड इनफाइनाइट होने से क्या होता है हमारा वो इतना तेजी से चलेगी कि हो सकता है कि वो जो अपने बेस से है उसी से क्या है उठ के बाहर आ जाए, तो ये हमारा क्या है अच्छे बात है क्या नहीं है, ये हमारे लिए क्या है एक डिसएडवांटेज है। आई ए जीरो कब होगा हमारा अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, नो लोड कंडीशन में क्या होता है हमारा आर्मेचर करंट क्या होता है जीरो होता है, तो स्पीड इनफाइनाइट होती है, ये एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सीरीज मोटर होती है उसको कभी भी नो लोड पे हमारा रन नहीं करते, नो लोड नेवर रन डीसी सीरीज मोटर, जो डीसी सीरीज मोटर है इसको कभी भी नो लोड पे रन नहीं करते, अदरवाइज स्पीड इनफाइनाइट होती है और जो हमारी मोटर है वो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाएगी, ओके। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीसी सीरीज मोटर जो है उसको कभी भी अंडर नो लोड कंडीशन पे रन नहीं कराते हैं। तो ये हो गया हमारा ओमेगा आर वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में करेक्टरिस्टिक। अब लास्ट करेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं हमारे किस किस के बीच में, हमारी स्पीड वर्सेस टॉर्क के बीच में, ओके। लास्ट करेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करना है फिफ्थ
स्पीड वर्सेस टॉर्क के बीच में. ओके, तो सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखा था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा फाई इंटू ओमेगा आर के, इक्वल टू के फाई ओमेगा आर, और ई इक्वल टू क्या होता हमारा वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी. ओके, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी थी के फाई ओमेगा आर इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी. ओके, इतना ही था हमारा. अब ये हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई थी हमारी कि ओमेगा आर इक्वल टू क्या था वी टी बाई के फाइव माइनस आई ए बाई के फाइव इंटू आर ए प्लस आर एस सी. ये हम अभी तक फाइंड कर चुके हैं. अब हम देखते हैं सैचुरेटेड रीजन अनसैचुरेटेड रीजन, दो केस आएंगे. सबसे पहला आएगा हमारा अनसैचुरेटेड रीजन, मतलब बिफोर सैचुरेशन अनसैचुरेटेड रीजन में टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता किसके फाइव इंटू आई ए के. ओके, अनसैचुरेटेड रीजन में क्या होगा फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई ए के, मतलब टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई ए के स्क्वायर के. ठीक है, टॉप किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइव आई ए हो गया. तो फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए, फाइव इक्वल टू होगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू आई ए. ओके, फाइव इक्वल टू क्या हो गया हमारा के इंटू के वन इंटू आई ए मान लेते हैं यहाँ का कॉन्स्टेंट. तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइव की जगह क्या रखेंगे के वन आई ए. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट भी तो हटाना पड़ेगा ना. टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव इंटू आई ए के, तो टॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के वन इंटू आई ए इंटू आई ए के. तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के वन आई ए स्क्वायर. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएंगे तो एक और कॉन्स्टेंट आएगा के मान लिया के वन आई ए का स्क्वायर. तो आई ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा टी अपॉन के इंटू के वन. तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टी बाई के इंटू के वन. ओके, बिफोर सैचुरेशन आर्मेचर करंट हमारा ये आ जाएगा आई इक्वल टू टी वाई के वन. यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या है वी टी वाई के फाइव माइनस आई ए की जगह हम क्या रखेंगे अंडर रूट ऑफ टी वाई के वन. ओके, इंटू आर ए प्लस आर एस सी बाय के इंटू फाइव. ओके, तो बिफोर सैचुरेशन जो है वो हमारी वैल्यू क्या है कुछ ही आई हमारी बी टी वाई के वन वन में बी टी वाई के फाइव इंटू आई ए बाय के फाइव. ओके, ये तो हमने यहां से आई ए की वैल्यू रख दी, बट इस टाइम पे अनसैचुरेटेड रीजन में फाई किसके बराबर है के वन आई के. तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ओमेगा आर इक्वल टू वी टी वाई के, फाई की जगह क्या लिखेंगे के वन इंटू आई ए माइनस अंडर रूट टी वाई के इंटू के वन इंटू आर ए प्लस आर एस सी वाई के इंटू के वन इंटू आई ए. ओके, अब आई ए की वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट अप करेंगे, हम यहाँ इसको रब करते हैं और वहां पे इक्वेशन लिखेंगे. ओके, ये वाला केस है हमारा. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी ओमेगा आर इक्वल टू वी टी वाई के वन. आई ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है क्या हमारी अंडर रूट टी वाई के वन. तो यहां से क्या आ जाएगी हमारी अंडर रूट टी, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के इंटू के वन. यहां पर रखना है ना, तो टी नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा माइनस अंडर रूट टी वाई के वन इंटू आर ए प्लस आर एस सी डिवाइड बाय के वन इंटू अंडर रूट टी वाई के वन. इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ओमेगा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा वी टी वाई रूट के वन इंटू रूट टी माइनस आर ए प्लस आर एस सी वाई के इंटू के वन. ओके, ये वाली चीज क्या है कॉन्स्टेंट है. ये क्या है कॉन्स्टेंट है, ये क्या बना हमारा y इक्वल टू ये वाली क्या कॉन्स्टेंट टी वाई रूट टी माइनस कॉन्स्टेंट को ही और मान लिया q. ये इक्वेशन कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी. ओके, अब हम बिफोर सैचुरेटेड रीजन यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो अनसैचुरेटेड रीजन में हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आई. ओके, ये कौन सी है अनसैचुरेटेड
रीजन। अनसैचुरेटेड रीजन में हमारी इक्वेशन कुछ ये आई, तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ये है आई ए सॉरी टॉर्क और ये हमारी स्पीड। टॉर्क और इसके बीच में कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है, सपोज टॉर्क क्या है जीरो, यहाँ पे टॉर्क जीरो है, वन बाय जीरो क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट से यहाँ से कहीं से ये चलेगा। ओके, ये हमारी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी बिफोर सैचुरेशन पॉइंट तक। ये माना अपन ने सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, बिफोर सैचुरेशन पॉइंट तक ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे। ये आप वैल्यू रखिएगा, जैसे जैसे आप वैल्यू रखेंगे, सपोज ये हमने टी रखा 4, ये बाहर आएगा 2, 1/2 क्या होगा कम, तो ये धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी हमारी कम होते जाएगी। तो ये हो गया हमारा बिफोर सैचुरेशन पॉइंट अनसैचुरेटेड रीजन में। अब हम देख लेते हैं सैचुरेटेड रीजन में। सैचुरेटेड रीजन में क्या होगा हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सॉरी सैचुरेटेड रीजन सेकेंड केस क्या हमारा सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन में क्या होता है फाई जो है वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। फाई क्या है कांस्टेंट है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या फाई इंटू आई ए, ठीक आई ए के टॉर्क इक्वल टू क्या होगा हमारा के इंटू आई ए, ठीक है टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के इंटू आई ए। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारा कि टॉर्क की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सॉरी फाई इंटू आई ए, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के फाई आई ए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी वाई के इंटू फाई। ओके ये इक्वेशन आएगी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टी वाई के फाई, इसकी हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारी वैल्यू आई, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ओमेगा आर इक्वल टू क्या है वी टी वाई के फाई, ये कांस्टेंट है माइनस आई ए वाई के फाई इंटू आर ए प्लस आर एल सी। ओके आई ए की वैल्यू क्या है टी वाई के फाई, ठीक है तो यहाँ हम रब करके लिख दे रहे हैं आई ए की वैल्यू हमने क्या रखी टी वाई के इंटू फाई। इक्वेशन क्या थी बनेगी वी टी वाई के फाई, ये देखिए पूरी चीज क्या कॉन्स्टेंट माइनस टी वाई के फाई का स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एल सी। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई, ये है वाई वाई इक्वल टू क्या आ गया सी माइनस एम एन, जो स्लोप है एम वो क्या है यहाँ पे ये आर ए प्लस आर एल सी वाई के फाई स्क्वायर। ओके तो अगर हम टी इक्वल टू जीरो मानते हैं, टी अगर जीरो है मतलब ये वाला टर्म अगर जीरो है तो ओमेगा आर किसके बराबर होगा वी टी वाई के फाई के। ओके तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन पॉइंट तक। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वी टी वाई के फाई वी टी वाई के फाइव। ओके फिर ये क्या आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा आर, अगर ओमेगा आर जीरो है ये वाली चीज जीरो है तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, ये क्या आएगा वी टी वाई के फाइव इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो टी वाई के फाइव का स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी, ये कट गया हमारा। ओके टी की वैल्यू क्या आ जाएगी वी टी वाई आर ए प्लस आर एल सी इंटू के फाई। ओके यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी ये वी टी वाई आर ए प्लस आर एल सी इंटू के फाई। ओके ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या होगी, स्लोप जो है इसकी वैल्यू क्या होगी हमने आपको बताया था आर ए प्लस आर एल सी इंटू के फाई का स्क्वायर, आर ए प्लस आर एल सी अपॉन के फाई का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे, आपको ड्रॉ कर दिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होगी या इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी या ये क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड रीजन। अनसैचुरेटेड रीजन में इस तरीके से हमारा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा सैचुरेटेड रीजन। अगर रीजन सैचुरेटेड है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, मतलब ये बिफोर सैचुरेशन और ये हो गया हमारा आफ्टर सैचुरेशन। ओके तो जो हमारी होल कैरेक्टरिस्टिक से पांचों कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती हैं। तो हमने सेपरेटली एक्साइटेड और सेंट मॉर्टम में देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली सेम थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था हमारा जो फ्लक्स था कॉन्स्टेंट, फ्लक्स हमारा क्या था हमेशा कॉन्स्टेंट था, उस पर लोड करंट बढ़ने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ पे क्या है
फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के या लोड करंट के। तो अगर लोड करंट वैरी होता है तो फ्लक्स भी क्या होता है उसके डायरेक्टली वैरी करता है। तो अगर ये वैरी करेगा तो वो भी वैरी करेगा, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। बट आप समझेंगे एक एक पॉइंट वाइज इक्वेशन ड्रॉ करके, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू।